नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। हरिद्वार में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का आलम यह रहा कि सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं, लोग किस तरह से परेशान होंगे ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ियां फंस गई हैं बीच में ही, पानी का लेवल हाई है, सड़कों पर पानी लबालब। पूरे हरिद्वार में चले जाइए, ये केवल दो घंटे की बारिश का हाल है, है ना। अगर दो दिन हो जाए तो लगता है पूरा हरिद्वार ही डूब जाएगा पूरा ही। जो शहर का सबसे क्रीम इलाका है, यहाँ पर ये रोज होता है, हर बरसात में होता है। नेतागण आते हैं यहाँ पर, संतावला दे के चले जाते हैं, पर पिछले 50 वर्षों में यहाँ इसके लिए कुछ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आम जनजीवन बहुत ज्यादा अव्यवस्थित है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए नरेश गुप्ता का रुख कर रहे हैं अपने संवाददाता का। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, आश्वासन का पिटारा तो खोल दिया जाता है, लोगों को हमने सुना, उनकी समस्याओं को सुना, साफ तौर पर मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी कुछ सब कुछ बयां कर रही हैं, कहां परेशानी है, काम नहीं होता, नतीजा सामने है। हम आपको बताएंगे, देखिए आज जैसी बारिश हुई है, इतनी भयंकर बारिश हुई है कि दो तीन घंटे में जितनी तेज बारिश हुई है पिछले कई वर्षों में इतनी तेज बारिश नहीं है। और इस बारिश का हाल ये रहा है कि ज्वालापुर क्षेत्र रेलवे स्टेशन से चंद्राचार्य, कंकल और उनके आसपास के शहर की जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सब में 4 से 5 फुट तक पानी भर गया। तमाम गाड़ियां, वाहन पानी में डूब गए, लोगों के घरों में, दुकानों में, बाजार के अंदर पानी भर गया है। और ये स्थिति इसलिए भी हुई है क्योंकि नगर निगम ने नालों की सफाई नहीं कराई थी, नाले जो है भरे पड़े हैं। इस कारण भी चाकुएं इसको पानी को चाकुएं की तेज बारिश का जो पानी है लोगों के घरों में, दुकानों में यह भरा है। और ये स्थिति है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण भी हुई है बारिश। तो वाकई नगर निगम अब इससे निपटने के लिए क्या कुछ कदम अख्तियार कर रहा है, नरेश जानना चाहेंगे। और साथ ही लोगों को हमने सुना उनके मुताबिक ये भी कि नगर निगम जब भी नाले की सफाई करता है पूरा कचरा जो है वो सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है, जब बारिश होती है तो फिर से कचरा जो है बहकर वो चला जाता है, तो फिर किस तरह से जो है वो बारिश का पानी रुकेगा नहीं यहाँ पर। देखिए नगर निगम की स्थिति ये है कि नगर निगम मेयर हैं वो बीजेपी के हैं, और वो बीजेपी के मेयर में और एएनएम में झगड़ा चलता रहता है, बात युद्ध चलता रहता है, काम कोई यहाँ होता नहीं है। बात बिल्कुल ये सही है कि जो भी नाली में से थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा निकाला जाता है वो सड़क के किनारे छोड़ दिया जाता है, फिर बारिश होती तो फिर वो उसी में समा जाता है, नाली में चला जाता है। इसलिए नालियां बंद हो गई हैं और नगर निगम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं, केवल बातों के अलावा और कुछ नहीं यहाँ पर होता है। शासन भी केवल इन बातों की इनकी लड़ाई देखता रहता है और इनकी लड़ाई के कारण ही शहर की दुर्दशा हो रही है। नरेश, इस जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हर जगह की यही कमोबेश हाल है। उत्तराखंड के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे तक भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। हालांकि बारिश के चलते हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों यही इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। दरअसल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, जिससे एक बार फिर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे तक भारी बारिश की आशंका जताई है। जो संवेदनशील एरिया उसको अवॉइड करें और सावधानी बरतें, क्योंकि हेवी रेन की चेतावनी है। तो बिल्कुल कहते हैं आप लोगों को, कहते हैं जो भी है वो मतलब सेफ जगहों पर रहें। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद नैनीताल प्रशासन अलर्ट हो गया है और सभी विभाग को अलर्ट रहने को कहा गया है। हर क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है। बाढ़ राहत का काम है या हमारा जो है सूचना तंत्र है उसको सब अलर्ट कर दिया गया है कि जहां से भी कोई सूचना आएगी हम तुरंत जो है वहां पे एक्शन शुरू कर देंगे। उधर चमोली में सुबह से ही झमाझम बारिश हुई है और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। प्रशासन के मुताबिक चारधाम यात्रा मार्गों पर एनडीआरएफ की देखरेख में वाहनों की आवाजाही करवाई जा रही है। उच्च स्तर के जो हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उनको हमने वहां पर डिपूट कर रखा है और जो भी रास्ते हमारे जैसे स्लाइड कोई आता है उसको खोलने के लिए हमारी मौके पर जैसी भी लगी है, बीआरओ हमारा तैनात है, पीडब्ल्यूडी हमारा तैनात है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी तेज बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है।
उधर कोटद्वार में भारी बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग के आवासीय कॉलोनी की दीवार ढह गई और पोस्ट ऑफिस की दीवारों पर भी दरारें आ गईं। वहीं लोगों ने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। अब इसमें अगर ये लगातार बारिश होती रही तो इससे जो साइड की जो दीवारें हैं और भी हमारी बिल्डिंग है, इसको भी खतरा हो सकता है। प्रदेश में इन दिनों चारधाम यात्रा चरम पर है। मौसम विभाग की माने तो अगले 36 घंटे तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, लिहाजा यात्रियों को एहतियात बरतने को कहा गया है। देहरादून से सोनू सिंह, नैनीताल से राजू पांडे, चमोली से पुष्कर चौधरी, मसूरी से गणेश रियाल और कोटद्वार से विनोद कांडपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहाड़ों पर जीवन कठिन है और मौसम बारिश का हो तो भूस्खलन का खतरा और भी बढ़ जाता है। दरअसल उत्तरकाशी में वरुणावत पहाड़ से जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिससे ज्ञानसू और इंदिरा क्षेत्र के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि मलबा ऊपर की घाटी पर रुक गया है। लोगों के मुताबिक भूस्खलन को रोकने के लिए अब तक करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बावजूद बरसात के दिनों में भूस्खलन की समस्या कम नहीं हो रही है। उधर प्रशासन ने उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है, जो कि हमेशा दिया जाता है। ये मामला जो है मेरे संज्ञान में अभी आया है, शायद ये कल शाम को ही हुआ है। इसको हम जाके देखेंगे और इसमें दहशत में किसी को रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी इसका ट्रीटमेंट काफी अच्छा हुआ है, काफी स्टेबल है। हो सकता है ज्यादा बरसात और बीच में धूप की वजह से कुछ चट्टाने चटक रही हो। इसको हम देखेंगे और कोई प्रभावी इसमें कदम उठाएंगे। तो ज्ञानसू और इंदिरा की बात करें, वरुणावत पहाड़ से ये भूस्खलन हो रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं। ट्रीटमेंट के नाम पर खर्च हुए हैं तकरीबन 250 करोड़ रुपए, लेकिन अब तक इसका असर हमें देखने को मिला नहीं है। देवेंद्र रावत इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जानना चाहेंगे अभी की स्थिति क्या है, भूस्खलन जारी है और क्या कार्रवाई चल रही है, और लोगों को राहत दिलाने के नाम पर कुछ उचित कार्रवाई? देखिए आशुतोष, 2003 में वरुणावत वादा, इसमें दर्जनों मकान थे वो टूट गए थे, दर्जनों लोग बेघर हो गए थे और उनका पलायन हो गया था। अब फिर ये 12 से 13 साल बाद फिर ये जो भूस्खलन सक्रिय हुआ है, तामाखानी एक जगह पड़ती है वरुणावत पर्वत की, वरुणावत पर्वत के जैसे पूरा उत्तरकाशी शहर बसा है, पर जहां ये आज कल देर शाम से और आज तक जो पिछले 12 घंटों से भूस्खलन हो रहा है वो क्षेत्र तामाखानी का है। यहाँ अब तक 3 से 4 बार भूस्खलन होते हैं। जिलाधिकारी से हमने वार्ता करी, जिलाधिकारी का कहना है कि यहाँ जो अधिकारी हैं उनको भेजा गया है मौका मुआयना करने के लिए। अगर यहाँ से अगर भूस्खलन जारी रहता है, यहाँ जो लोग वरुणावत पर्वत के नीचे रहते हैं उनको सेफ जगह शिफ्ट किया जाएगा और जो मार्ग है ये मार्ग पूरा पूरी तरह से। चलिए, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी देने के लिए। उधर बारिश के दिनों में टिहरी के जौनपुर विकासखंड के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और पुल की व्यवस्था नहीं होने से बच्चे नदी पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। दरअसल 2013 में आई आपदा में अगलाड नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, बावजूद अब तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। लोगों के मुताबिक ये पुल भीमल की चलौटी गांव का लाइफलाइन था और पुल नहीं होने के कारण उन्हें आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डर लगा रहता है कि उनके बच्चे की जिंदगी सही सलामत रहे। खासकर बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने से मुश्किलें और भी पेश आती हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस बाबत कई बार वो अपनी आवाज उठा चुके हैं, बावजूद शासन प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली, आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। क्यों जाना ना, ना मार कोई सुन दो ना कुछ खत नहीं, बस हम कमार खार कोई सरकार ना क्षेत्र पंचायत है बोले, जिला पंचायत है बोले, सब बोल रहे कोई नहीं लोग हमारे सुनना। हमारा बच्चा कोई जो घर में नहीं रहो तो हम एक आदमी को पढ़ दो, बच्चों के साथ जान पढ़ दो, एक बच्चा को टपाओ दूसरे बच्चा को टपाओ, जब तो कोई घर में नहीं, तो जब हम जनाने लोग बड़ी नदी तो हम परेशान। ये जो है आपके डीएम के माध्यम से आपके मुख्यमंत्री को अवगत करवाया, आपको जो मंत्री को अवगत करवाया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी आप देख रहे हो हम दिन रात जो है ऐसे ही अपने बच्चों को कंधों में ढोके, कभी भी ये घटना हमारे बच्चों के साथ हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए गणेश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्रशासन इस स्थिति का इंतजार करता है या कर रहा है कि कोई यहां पर घटना न घट जाए? घटना घटने के बाद ही कोई कदम क्यों उठाया जाता है? यहां पर साफ नजर आ रहा है कि बच्चे किस तरह से नदी को पार करने को मजबूर हैं, स्कूल वो जा रहे हैं, यहां पर पुल नाम की कोई चीज ही नहीं है। आशुतोष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 में जो टिहरी जिले का जो जौनपुर विकास,
चलिए तकनीकी समस्या की वजह से यहां पर आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारे संवाददाता की। बहरहाल हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरों के माध्यम से आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है यहां पे। कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बच्चे जो हैं स्कूल ऐसे ही जा रहे हैं वो नदी को खुद पार करके। देहरादून के सूदोवाला जेल के जेलर महेंद्र सिंह ग्वाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल जेलर महेंद्र सिंह ने कुख्यात अपराधी सुनील राठी से जान का खतरा बताया है और सुरक्षा की मांग करते हुए प्रशासन को पत्र भी भेजा था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। गढ़वाल डीआईजी के मुताबिक रुड़की डिप्टी जेलर हत्याकांड में जेलर महेंद्र सिंह ग्वाल मुख्य गवाह हैं और उन्हें धमकी मिलने की सूचनाएं भी मिली हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही देहरादून की सूदोवाला जेल में बंद सभी कुख्यात अपराधियों पर भी नजरें रखी जा रही हैं। आपको बता दें कि साल 2012 में कुख्यात अपराधी सुनील राठी के इशारे पर बदमाशों ने रुड़की जेल की डिप्टी जेलर की हत्या की थी और उस समय देहरादून जेल के जेलर महेंद्र सिंह ग्वाल की तैनाती भी रुड़की जेल में ही थी। बताया जा रहा है कि जेलर महेंद्र सिंह ग्वाल भी बदमाश सुनील राठी के निशाने पर थे, लेकिन वो उस हमले में किसी तरह बच गए थे। इसी क्रम पे अभी जेलर ने अपने लिए सुरक्षा की रिक्वेस्ट की थी, उसको देखते हुए जनपद पुलिस के द्वारा सुरक्षा प्रोवाइड की गई है और इस तरह के जो आपराधिक एलिमेंट है उनकी गतिविधियों पे और अभी सूचना एकत्रीकरण का भी कार्य चल रहा है। उत्तराखंड में सूचना आयोग की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाए जाने और फाइल सीधे राज्यपाल को भेजे जाने को लेकर राज्यपाल से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर सरकार मनमानी कर रही है। हजारों हजार बेरोजगार बच्चे इस प्रदेश में, अगर इस समय कोई कठोर निर्णय नहीं आया या कोई सही दिशा नहीं मिल पाई तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि कोई नजीर बन जाए और ये प्रदेश भ्रष्टाचार के गर्त में चला जाए, हमें इस बात की बहुत आशंका है। और हमारा महामहिम राज्यपाल से करबद्ध निवेदन है कि कृपया एक ऐसी गाइडलाइन सरकार को जारी करें, सरकार को ऐसा आदेश दें कि इस तरह की व्यवस्थाएं खत्म हो और मनमानी का जो चले आ रहा है इस प्रदेश में वो खत्म होना बहुत जरूरी है। रमजान का पाक महीना बीतने को है और इसके साथ ही ईद की तैयारी शुरू हो चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास नजरें रखी जा रही हैं। दरअसल कुमाऊं मंडल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीआईजी कुमाऊं के मुताबिक कस्बों और शहरों में स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है और बॉर्डर पर सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो है यह त्यौहार शांति और सौहार्द के साथ इसको मनाई जाए, इसके लिए हमने पूरे अलर्ट जारी कर रखी है। जहां जहां पर बड़े कस्बे हैं, बड़े सिटी हैं, हमारे हल्द्वानी है, कुतुबपुर, काशीपुर, ऐसी जगह पर हमने स्पेशल फोर्सेज बहुत लगाई है, तो इसमें हमने जितनी जहां पर जो आवश्यकता है उसके मुताबिक फोर्स की तैनाती की गई है। तो प्रदेश में बढ़ रहे पलायन और छात्रों की गिरती संख्या से सरकारी शिक्षा तंत्र कमजोर हो रहा है। आलम यह है कि पौड़ी जिले में सरकारी स्कूल बंदी के कगार पर पहुंच गया है और छात्रों की संख्या शून्य होने पर 30 प्राथमिक स्कूलों में ताला लटक गया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 3 जूनियर स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह पलायन और निजी स्कूलों की ओर बढ़ रहे रुझान को माना जा रहा है। जूनियर हाईस्कूल स्तर के 3 स्कूल बंद हुए हैं। लगभग ये पिछले साल 1 या 2 बच्चे उनमें से थे, तो अब इस दृष्टि से कि सरकार पर अधिक व्यवहार पड़ रहा है तो सामान्य तो वो बच्चे अब क्योंकि उन गांव में बच्चे रह नहीं गए हैं जिन गांव में ये स्कूल खुले थे, तो ये देखते हुए कि अब उन गांव में जब बच्चे ही नहीं है तो फिर इन स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं, तो इसलिए हमने लगभग 30 स्कूल बंद किए हैं। ऋषिकेश के अजय और अनीता अमेरिका में होने वाले प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। ये दोनों बच्चे ज्योति स्पेशल स्कूल के छात्र हैं। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी इन दोनों के हौसले बेहद बुलंद हैं। दरअसल अमेरिका में स्पेशल समर गेम्स प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें 172 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं, जहां अजय और अनीता अपने हुनर का परचम लहराएंगे। ज्योति स्पेशल स्कूल, तो कहां जा रहे हो तू? अमेरिका। किस चीज के लिए? वॉलीबॉल के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वाकम में वहाँ अमेरिका। वहाँ पर जाके किस स्पोर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट करोगे? हम वाकम में। वाकम में पैदल चलने के रास्ते। अनीता चौहान या अजय सिंह रावत, ये अमेरिका में लॉस एंजलिस शहर में इनके स्पेशल ओलंपिक गेम हो रहे हैं, वर्ल्ड समर गेम। उसमें अनीता चौहान का वॉक में सिलेक्शन हुआ है और ये 400 मीटर और 800 मीटर की वॉक में भाग लेगी और अजय का वॉलीबॉल टीम में हुआ है।
ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में और वहाँ पर 170 देशों के पार्टिसिपेट आएंगे। हमारे उत्तराखंड से 4 एथलीट का चयन होगा। ज्योति स्पेशल स्कूल के 2 बच्चों का हुआ है और जो उत्तराखंड से 4 एथलीट का हुआ है टोटल का, और एक कोच का सिलेक्शन हुआ। और भारत से टोटल 223 बच्चे जाएंगे एथलीट और उसके साथ 70 कोच जाएंगे। प्रदेश में हरेला पर्व को लेकर सियासी सरगर्मी है। प्रदेश बीजेपी नेता प्रकाश पंत ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। प्रकाश पंत ने कहा है कि हिंदू समाज चैत्र शारदीय नवरात्र के साथ ही सावन में हरेला त्यौहार मनाया जाता है। इस बार सावन का हरेला पर्व 17 जुलाई को है, लेकिन सरकार ने उससे पहले ही 16 जुलाई को ग्राम पंचायतों में हरेला प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उन्होंने प्रतियोगिता में पुरस्कार राशि दिए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। सरकार कह रही है कि 17 तारीख से पहले 16 तारीख को आप हरेले को सार्वजनिक स्थल पर लाकर के उसकी प्रतियोगिता करो। ये नितांत आपत्तिजनक है और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, क्योंकि इस देश के और इस विश्व के पर्यावरण की रक्षा करने का काम उत्तराखंड की ये देवभूमि की जनता बहुत परंपरागत रूप से करती आई है। सरकार के इस तरह के प्रोत्साहन जो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, ये सर्वथा अनुचित है। और नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत के शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने हल्ला बोला है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार को प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है और वो दलगत राजनीति की भावना से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच तालमेल नहीं होने पर विकास नहीं हो सकता। नीति आयोग जैसी महत्वपूर्ण बैठक को दरकिनार करना और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि भारत सरकार हमको मदद नहीं कर रही है, आखिर प्रदेशों की मदद के लिए केंद्र ने नीति आयोग की बैठक बुलाई थी, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी और प्रदेश के विकास के लिए नीति आयोग में चर्चा होनी थी, यहाँ से प्रोजेक्ट जाने थे, प्लान जाने थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने दलगत राजनीति को मद्देनजर रखते हुए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया। अब उससे इस प्रदेश का कितना बड़ा नुकसान होगा, ये मुख्यमंत्री को उसकी कल्पना होनी चाहिए। और अब खबर एक नजर। हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सवाल उठाए कि 7 महीने से सिटी मजिस्ट्रेट का पद खाली पड़ा है, साथ ही एसडीएम का भी तबादला कर दिया गया है। ऐसे में कांवड़ और अर्धकुंभ मेला की तैयारियां कैसे हैं? उधर उत्तरकाशी में जिला प्रशासन ने हरेला पर्व मनाया और लोगों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। डीएम के मुताबिक जिले में 5,000 से ज्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कनकपुर के मंडी समिति में जन जागरण शिविर का आयोजन किया गया, जहां श्रम मंत्री हरीश दुर्गापाल ने शिरकत की और श्रमिकों में चक बांटे। श्रम मंत्री ने श्रमिकों के उत्थान का भरोसा दिया।